केजरीवाल की ईडी द्वारा जांच पर सहयोग नहीं किया और सवाल उठाया जाना पूरी तरह गलत है। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव में निर्णय आएगा तो लोकतंत्र की विजय राहुल गांधी की सदस्यता कोर्ट बहाल करेगा। तो लोकतंत्र की विजय और इनके नेताओं को बेल नहीं मिलेगी तो कहेंगे कोर्ट सही नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। भाजपा विपक्ष को दबा रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इनकी इसी आदत के चलते भारत की राजनीति में विपक्ष के नेताओं की विश्वसनीयता का संकट उत्पन्न हो गया है। वहीं ईडी ने पहली बार अपनी प्रेस रिलीज में शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार आरोपी के साथ अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। ईडी ने साफ कहा है कि के कविता ने अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर शराब नीति में बदलाव करवाए, जिसके बदले 100 करोड़ आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिए। दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। ईडी की जांच आरोपी बीआरएस एमएलसी के कविता के साथ केजरीवाल का नाम भी जुड़ गया है। ईडी के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ है कि नई आबकारी नीति से लाभ उठाने के लिए के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची। नई आबकारी नीति से निजी लाभ पाने की एवज में आप नेताओं तक 100 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। सूत्रों ने बताया कि ईडी की जांच में यह भी पता चला कि साजिश के तहत नई शराब नीति में होलसेलर्स के जरिए लगातार रिश्वत का पैसा आप पार्टी तक पहुंचाया जाता रहा। साजिश के तहत साउथ लोभी द्वारा एडवांस में करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई। शराब पर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर वसूलना और इस नीति से दोगुना मुनाफा कमाना इसका उद्देश्य यह था। बता दें कि अब तक ईडी ने दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और अन्य स्थानों सहित देश भर में 245 स्थानों पर तलाशी ली है। मामले में अब तक आप, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले पर बीजेपी नेता ने कहा, आप नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को जमानत मिल गई। मैं बताना चाहता हूं कि केजरीवाल जी को शराब घोटाले से संबंधित कोई जमानत नहीं मिली, उनको सिर्फ मजिस्ट्रेट के समन में जमानत मिली है। ईडी के किसी भी केस में केजरीवाल जी को जमानत नहीं मिली है। वहीं आपने कहा, ईडी की हरकतों से बीजेपी की डिस्प्रेशन का पता चल रहा है। हर समन पर तर्कसंगत जवाब सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिया, ईडी कुछ नहीं कह पाई। हास्यास्पद बात यह है कि खुद कोर्ट जाने के बाद कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं कर रही ईडी। केजरीवाल जी ने कहा, बजट सेशन के बाद कोर्ट में जाऊंगा। केजरीवाल जी ने कहा, बजट सेशन के बाद कोर्ट में आऊंगा, गए और बेल भी मिली, फिर भी ईडी का पेट नहीं भरा, समन पर समन जारी है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।